एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। आज मैं यहाँ हूँ, मेरे ये सब आम के पेड़ है बहुत सारे, तो उसके पत्ते गिरते रहते हैं, बहुत सारे गिरे थे, तो सोचा कि क्यों ना लीफ मोल्ड बना दिया जाए, लीफ कंपोस्ट बनाने जा रहा हूँ मैं। तो ये बैग है मेरे पास ग्रीन कलर की, जो कि गवर्नमेंट की ओर से मिला है, हमारे यहाँ फार्मिंग होती है। तो मैं सुबह से लगा था, लगभग एक घंटा हो चुका है और यहाँ बहुत सारे सूखे पत्ते गिरे थे, तो वो कलेक्ट करके मैंने यहाँ डाले हैं। कुछ आम के पत्ते हैं, चीकू के पत्ते हैं और थोड़े नीम के पत्ते मिल गए हैं मुझे। यहाँ नीम का पेड़ है बहुत बड़ा, और थोड़ा ये गूंदा बोलते हैं हमारे यहाँ, गूंदी जिसका अचार भी बनाते हैं, तो उसके कुछ पत्ते और नीम के पत्ते अभी भी बहुत सारे हैं, तो कुछ और कलेक्ट करूँगा मैं। और सुबह से यही काम कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट ईयर मैं रिपोर्टिंग के वक्त ये इस्तेमाल कर सकूँ। उसको लगभग एक साल लगता है तैयार होने में। उसके मैं ऊपर से एक और प्लास्टिक या कंतान या जो टाट होती है वो रख के ढक दूँगा और पानी देता रहूँगा। और तो ये है बेड, उसका बना दिया है मैंने लीफ का। और सबसे पहले रखे हैं चीकू के पत्ते और आम के, और आम के पत्ते और भी रखूँगा क्योंकि बहुत सारे अवेलेबल हैं। तो चलिए मैं और कुछ इकट्ठा कर लेता हूँ और फिर आगे की प्रोसेस दिखाता हूँ कि कैसे लीफ मोल्ड तैयार होता है, यानी लीफ कंपोस्ट। तो पत्ते बहुत जल्दी भर जाएंगे बैग में, तो उसको अच्छी तरह से दबाना पड़ेगा। तो मैं चल रहा हूँ पत्तों पे, जिससे सभी पत्ते दब जाए। अब इस तरह के बैग नहीं भी मिले तो जो खाद की प्लास्टिक की बैग आती है उसमें करें। बैग अगर ब्लैक कलर की हो तो बहुत ही अच्छा है, इस तरह से भर के दबा के भरना है। फिर पानी डाल दें और उस छांव में रख दें कवर करके। तो पत्तों को दबाना बहुत ज़रूरी है, जिससे बहुत सारे पत्ते आ जाए। तो मैं चल रहा हूँ सब, और एक बार दबा लिया है, ये दूसरी बार है कि मैं पत्तों पे चल रहा हूँ। तो लगभग अब दब चुके हैं, तो एक बार और डालूँगा, फिर दबाएंगे, फिर उसको कहीं ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ साव हो। मैं दूसरी जगह रखूँगा क्योंकि वहाँ से पानी नज़दीक होगा, क्योंकि पानी रेगुलर देता रहना पड़ेगा हमें इसमें। जितना भर सकता था भर लिया है, अब उस पर पानी का छिड़काव किया जाए, जिससे भीगे रहना चाहिए, उसमें मॉइस्चर रहना चाहिए दोस्तों, जिससे ये जल्दी से सड़ेगा। उसमें ड्रेनेज भी दिया हुआ है, तो पानी भर के भी नहीं रहेगा, सब पानी निकल जाएगा। पहली बार तो अच्छी तरह से सब पत्तों को भिगा देना है। यहाँ पानी के नज़दीक में ले आया हूँ, तो पानी दे दिया है, और लगेगी कुछ पत्ते, वो भी डाल दूँगा, और फिर किसी चीज़ से मैं उसको कवर कर दूँगा। तो लगभग एक साल में तो ये तैयार हो जाना चाहिए। चलिए पानी दे दिया है, तो दोस्तों चेक करते हैं कैसा है हाल हमारे कंपोस्ट का। हालांकि मैंने यूज़ भी कर लिया है कुछ, यहाँ से देखिए मैंने यहाँ से निकाला है कुछ, देखिए ये होता है इस्तेमाल के लिए रेडी दोस्तों। ये टेक्सचर देखिए, उसको आप सान के भी इस्तेमाल कीजिए अगर आप कुछ सब्जी वगैरह ग्रो करना चाहते हैं तो, नहीं तो ये इसे ही मैं तो इस्तेमाल करने वाला हूँ, और इस्तेमाल कर भी दिया है पहले ही। हमारे नए सोयल मिक्स में मैंने ये मिलाया है ब्रिक बाइट, ये और थोड़ा सा काउडक था, तो मैंने वो जो बहुत ही अच्छी तरह से फर्टिलाइज होता है वो इस्तेमाल किया था। तो ये रेडी है दोस्तों, अंदर से थोड़ा निकालना पड़ेगा, ऊपर का शायद
ये भी शायद ये चूरा हो ही जाएगा, जो ऊपर के पत्ते बचे हैं वो भी धूप की वजह से अब ये। तो ये सब हमारे बॉन्साई के लिए मैं इस साल जब भी मैं रिपोर्टिंग करूँगा आने वाले सीज़न में, तब उसी का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो चलिए मिलते हैं, उसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा क्योंकि मैंने इस्तेमाल भी कर लिया है दोस्तों। तो ये इस तरह के बैग में कुछ अलग अलग प्रकार के पत्तों को मैंने यहाँ सड़ने के लिए रख दिया था। आई होप कि अच्छा काम करना चाहिए।